चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट का वैकेंसी बहुत अच्छा वैकेंसी था। आई होप कि आप लोग सब फॉर्म फिलअप कर दिए हैं सेल RSP यानी राउरकेला स्टील प्लांट का। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये पार्ट 4 है दोस्तों। इससे पहले मैं पार्ट 3 तक अपलोड कर चुका हूँ। तीनों वीडियो का लिंक यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात किया हूँ, आपको बहुत हेल्प होगा एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों, इससे पहले भी मैं सेल लास्ट 5 ईयर्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सारा ट्रेड और नॉन टेक्निकल ओनली मेटलर्जी का लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन मैं लगभग 2-3 साल पहले इसी चैनल में अपलोड किया हूँ, आपका साथ शेयर किया था। जितना सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना सारा क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने सारा शेयर किया था आपका साथ। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसी चैनल पे सेल बोल के एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जा करके दोस्तों आप सारा वीडियो देख लीजिए। नॉन टेक्निकल बहुत इम्पॉर्टेंट, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं सारा चीज़ इन डिटेल्स आपका साथ डिस्कस किया हूँ वीडियो में। और टेक्निकल ओनली मेटलर्जी का मैं लास्ट 5 ईयर्स टॉपिक वाइज हर टॉपिक यानी फिजिकल मेटलर्जी, मैकेनिकल मेटलर्जी, नॉन फेरस मेटलर्जी, आयरन एंड स्टील मेकिंग, सब टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन अलग अलग करके सेग्रीगेट करके आपका साथ मैं डिस्कस किया हूँ उस वीडियो में, सारा वीडियो में। तो लगभग उसमें भी आपको 10 पार्ट मिल जाएगा। तो आप अगर नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बहुत हेल्प होने वाला है आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तब। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं पार्ट 4। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं वीडियो का बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका साथ शेयर करूँगा। आप अगर स्किप कर देंगे तो आपका जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है, इम्पॉर्टेंट बातें मिस हो सकता है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है पडलिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पडलिंग प्रोसेस होता है रॉट आयरन बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, उसको बोला जाता है पडलिंग प्रोसेस। रॉट आयरन क्या होता है? ऑलमोस्ट प्योर आयरन होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट प्योर आयरन होता है, 100% प्योर आयरन आप बोल सकते हो कि रॉट आयरन है। रॉट आयरन जो बनाया जाता है, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है? पडलिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। याद रखिएगा, पडलिंग प्रोसेस जो है रॉट आयरन से रिलेटेड है, पीग आयरन से रिलेटेड नहीं है, माइल्ड स्टील हाई एलर्जी स्टील से भी रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों, रॉट आयरन का मैं अगर मेल्टिंग पॉइंट आपको पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या है रॉट आयरन का? आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है रॉट आयरन। मैं सेम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपका साथ मैं डिस्कस किया था, अच्छी तरीके से आपको मैं समझाया था, आई होप आपको याद होगा। तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके कि रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा कि ऑलमोस्ट प्योर आयरन, कौन सा आयरन ऑलमोस्ट प्योर होता है, तो आप आँख मूंद के जवाब दे देना कि रॉट आयरन सबसे प्योर होता है, यानी 100% ऑलमोस्ट 100% प्योर होता है। यहाँ पर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है एनिलिन कैन नॉट, एनिलिन क्या नहीं करता है? यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना पड़ेगा एनिलिन क्या करता है। एनिलिन क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, एनिलिन क्या होता है? आप जो है एक स्पेसिमेन को अगर आप एनिलिन हीट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो आपको पहले हीट करना पड़ेगा एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी आप उसको हीट कर सकते हो एबव AC1 मान लीजिए ये वाला टेम्परेचर है, तो आयरन कार्बन डायग्राम का हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एबव AC1 अपर क्रिटिकल टेम्परेचर आप उसको हीट करोगे, उसके बाद थोड़ा सा सोक करोगे, इसको बोला जाता है सोकिंग टाइम, थोड़ा सा सोक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो है आपको फर्नेस कूलिंग यानी स्लो कूलिंग, बहुत स्लो कूलिंग अगर आप करोगे तो अल्टीमेट जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा कोर्स पर लाइट, यानी ग्रेन्स जो है कोर्स आएगा। तो ये जो हीट ट्रीटमेंट है इसको एनिलिन बोला जाता है, यानी इसमें फर्नेस कूलिंग एसोसिएटेड है, फर्नेस कूलिंग यानी बहुत स्लो कूलिंग, ठीक है। तो इसमें ये किस क्यों किया जाता है? इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप होता है, इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैशिनेबिलिटी अच्छा होता है आफ्टर एनिलिन ट्रीटमेंट, और ग्रेन स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है कोर्स ग्रेन होता है, यानी ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा रिफाइन हो जाता है, ग्रेन स्ट्रक्चर 100% रिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो एनिलिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है, ये करता है।
इम्प्रूव वायर रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इम्प्रूव वायर रेजिस्टेंस नहीं करता, वायर रेजिस्टेंस इम्प्रूव नहीं होता है थ्रू एनिलिन हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। मैसिनेबिलिटी इम्प्रूव करता है, ग्रेन स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एनिलिन कैन नॉट इम्प्रूव वायर रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों एनिलिन नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग, ये तीनों हीट ट्रीटमेंट जो है दोस्तों, ये तीनों हीट ट्रीटमेंट को प्राइमरी हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है, और उसके बाद भी एक हीट ट्रीटमेंट है उसको बोला जाता है सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट, उसका नाम है टेम्परिंग, ठीक है। क्यों टेम्परिंग को सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है, कि टेम्परिंग आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, हार्डनिंग आपको पहले करना पड़ेगा, इसलिए बोला जाता है हार्डनिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय टेम्परिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा हार्डनिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको टेम्परिंग में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लिमोनाइट इज ए, लिमोनाइट एक आयरन का ओर है दोस्तों, लिमोनाइट कौन सा ओर है? तो दोस्तों लिमोनाइट जो है हाइड्रोक्साइड ओर है, याद रखिएगा लिमोनाइट जो है हाइड्रोक्साइड ओर है। कार्बोनेट ओर कौन सा है? तो आयरन का दोस्तों जो कार्बोनेट ओर है, सीडराइट बोल के एक ओर मिलता है, SIDERITE, सीडराइट जो है ये कार्बोनेट ओर है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ओर लिमोनाइट मैंने बता दिया। सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर कौन सा है? आयरन पाइराइट्स, याद रखिएगा आयरन पाइराइट्स, ये जो है आपका सल्फाइड ओर। और ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर आपको पता होगा कि मैग्नेटाइट जो है ऑक्साइड ओर है, मैग्नेटाइट ऑक्साइड ओर है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो है ऑक्साइड ओर है। तो ये याद रखिएगा, कार्बोनेट हो, कार्बोनेट ओर सीडराइट हो गए, हाइड्रोक्साइड ओर लिमोनाइट, सल्फाइड ओर आयरन पाइराइट, ऑक्साइड ओर मैग्नेटाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कोरोशन रेजिस्टेंस एंड एंड्योरेंस लिमिट इज हाइएस्ट फॉर, तो कोरोशन रेजिस्टेंस और एंड्योरेंस लिमिट जो है दोस्तों कौन सा स्टील में हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टील में है? तो ये दोस्तों नाइट्रेटेड स्टील में, नाइट्रेटेड एक ट्रीटमेंट होता है, जैसे पैक कार्बराइजिंग होता है, यानी सॉलिड कार्बराइजिंग, साइनाइडिंग होता है, वैसे ही नाइट्राइडिंग भी एक ट्रीटमेंट होता है। तो नाइट्राइटेड जो स्टील होता है उसका कोरोशन एंड एंड्योरेंस लिमिट जो है सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोराइज एंड साइनाइडेड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बन इन एट 1130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों 1130 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे मैक्सिमम सॉल्बिलिटी कार्बन का कितना है? तो दोस्तों 1130 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, आपको याद होगा आयरन कार्बन डायग्राम में लगभग इस पोजिशन में 1130 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है, ठीक है। इधर आपका जो है, इधर आपका स्टील होता है, स्टील, और उसके बाद दोस्तों इधर जो है कास्ट आयरन होता है, ठीक है, कास्ट आयरन होता है। तो यहाँ पे जो है आपको बीच में मिल जाएगा लगभग बीच तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला रीजियन जो है दोस्तों, इसमें आप बोल सकते हो कि 1130 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले आपको 747 आ जाएगा, उसके बाद 1130 डिग्री, या तो फिर 1147 भी आप बोल सकते हो। इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा 2.14%, ठीक है, 2.14%। इस ये वाला जोन जो है ऑस्टेनेटिक जोन होता है, मैं जब आयरन कार्बन डायग्राम आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको और बढ़िया से समझ में आएगा, ये वाला जोन ऑस्टेनेटिक जोन होता है, ठीक है। और इधर जो है आपका लेफ्ट साइड में स्टील होता है, राइट साइड में कास्ट आयरन होता है, ये बीच वाला पोर्शन, इसमें जो है हाई मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन 2.14 रहता है। यहाँ पे आप नियरली देख सकते हो कि 2% दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2%। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूस्ड द फाइनेस्ट ग्रेन, तो कौन सा प्रोसेस जो है फाइनेस्ट, सबसे फाइन ग्रेन प्रोड्यूस करता है? एनिलिन नॉर्मलाइजिंग क्वेंचिंग सबक्यूटेनियस एनिलिन। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताया कि एनिलिन का जो फाइनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो कोर्स परलाइट, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, कोर्स परलाइट होता है, तो ये फाइन तो करता ही नहीं है, यानी एनिलिन आपका आंसर नहीं होगा, सबक्यूटेनियस एनिलिन भी नहीं होगा। नॉर्मलाइजिंग में फाइन परलाइट होता है, स्ट्रक्चर जो है फाइन होता है, लेकिन फाइनेस्ट नहीं होता है, फाइनेस्ट होता है क्वेंचिंग में। क्वेंचिंग क्या होता है दोस्तों? क्वेंचिंग होता है आप एक स्पेसिमेन को हीट करोगे, उसके बाद थोड़ा सा सोक करोगे, उसके बाद तुरंत उसको क्वेंच कर दोगे, यानी डुबा दोगे। किसमें डुबाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑयल में डुबा सकते हो, वाटर में डुबा सकते हो, सॉल्ट बाथ में डुबा सकते हो। तो जब आप डुबा दीजिएगा उसको, यानी पूरा ट्रीटमेंट जो है दोस्तों रैपिड कूलिंग, इसमें जो है रैपिड कूलिंग होता है,
इसीलिए फाइनेस्ट ग्रेन स्ट्रक्चर इसमें प्रोड्यूस होता है, यानी क्वेंचिंग विल बी द राइट आंसर। क्यों होता है फाइनेस्ट स्ट्रक्चर? क्योंकि इसमें रैपिड कूलिंग होता है। अगर आप एक स्पेसिमेन को मान लो पूरा फर्नेस में हीट कर दिए, पूरा रेड हॉट हो गया है वो स्पेसिमेन, उसके बाद उसको तुरंत आप उठा करके पानी में डाल दोगे तो जो कूलिंग है ना दोस्तों पूरा रैपिड हो जाएगा। यहाँ पे आप ये वाला पोर्शन देख सकते हो, पूरा का पूरा रैपिड कूलिंग एक बार में हो जाएगा। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये फाइनेस्ट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्योर आयरन कंटेंट, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्योर आयरन दोस्तों, प्योर आयरन आप रॉट आयरन को बोल सकते हो, ठीक है। प्योर आयरन कंटेंट क्या? प्योर आयरन दोस्तों 100% परलाइट कंटेंट करता है, ठीक है। अल्फा फेराइट भी उसको, सॉरी 100% परलाइट नहीं, सॉरी 100% फेराइट। आयरन कार्बन डायग्राम में आपको एकदम लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा 0.025% कार्बन, और उसका लेफ्ट साइड में 0% कार्बन, और उसका जो है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट होता है एकदम ऊपर। कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है? 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जहाँ आयरन कार्बन डायग्राम का पिक टॉप लेफ्ट साइड का एकदम एक्स एक्सिस का टॉप जो आपका पोर्शन है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो प्योर आयरन कंटेन 100% परलाइट, इसमें कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं रहता है, कार्बन नहीं रहता है, 100% परलाइट होता है इसमें, ठीक है। अल्फा परलाइट होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द क्रिस्टल रैटिस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग मेटल? यहाँ पे चार को मेटल दिया गया है, आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा ये बताना पड़ेगा। तो पहले देखिए दोस्तों, पहले कॉपर है, कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? FCC होता है, ठीक है, FCC होता है। FCC का पैकिंग फैक्टर कितना होता है और इसमें एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। मॉली, मॉली का दोस्तों, मॉली का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉलिब्डेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है BCC, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक। जिंक का क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जिंक का होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, यानी HCP। और आयरन का दोस्तों सिंपल क्यूबिक भी होता है, BCC होता है, FCC भी होता है, ठीक है, BCC होता है, FCC भी होता है। ये इलेक्ट्रोप्स ऑफ आयरन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर तो अब आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम में आप देख सकते हो कि पहले जो है दोस्तों, पहले आपका जो आयरन का स्ट्रक्चर रहता है वो BCC रहता है, ठीक है, वो BCC रहता है। जैसे ही वो ऑस्टेनेटिक फेज में घुस जाता है उस टाइम BCC पहले रहता है, उसके बाद जब ऑस्टेनेटिक फेज में दोस्तों घुस जाता है तो आयरन का स्ट्रक्चर जो है BCC से FCC हो जाता है, यानी ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर में घुस जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप और ऊपर जाओगे तो और भी एलेट्रॉप्स चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप टू 727 डिग्री सेंटीग्रेड BCC होता है, ठीक है। अबव 727 डिग्री सेंटीग्रेड टू लगभग लगभग आप बोल सकते हो 1492 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जो है FCC रहता है, एलेट्रॉप्स चेंज हो जाता है, ठीक है। ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है क्योंकि ऑस्टेनेटिक नॉन मैग्नेटिक रहता है, लेकिन BCC मैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये 727 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको बोला जाता है कुरी पॉइंट, याद रखिएगा। इसमें फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसलिए इसको कुरी पॉइंट बोला जाता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, इसलिए इसको कुरी पॉइंट बोला जाता है। कितना? 727 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारा बुक्स में 747 भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। आपको जब आप देखोगे पेपर में, आपको 727 या तो फिर 747 दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो आप दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन FCC आयरन एंड इज स्टेबल फ्रॉम 912 1394 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? FCC होता है। अभी मैं आपको बताया कि 727 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपका कार्बन परसेंटेज अगर 0.8% रहेगा तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के लगभग लगभग आप मान सकते हो कि 1400 का आसपास, 1492 का आसपास आपका जो है ऑस्टेनेटिक फेज रहता है 0.8 के लिए। तो इस रीजियन में आपका जो है BCC से FCC आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब आप आयरन कार्बन डायग्राम थ्रू एक्स एक्सिस आप पढ़ोगे, मतलब आयरन कार्बन डायग्राम ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो एकदम एक्स एक्सिस में जब आप पढ़ोगे तो ऑस्टेनेटिक रीजियन चालू होता है कितना? 912 डिग्री सेंटीग्रेड, 912 डिग्री सेंटीग्रेड से चालू होता है और चलता है ये 1392 डिग्री सेंटीग्रेड तक,
ठीक है, ये ऑस्टेनिटिक रीजियन चालू होता है। तो ऑस्टेनिटिक रीजियन आपका यहाँ से चालू होता है, फिर नीचे ऐसा करके नीचे हो जाता है, और उसके बाद दोस्तों बाद में आपका जो है बहुत सारा चेंजेस होता है। तो ये हो गया ऑस्टेनिटिक रीजियन, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम है, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो टेम्परेचर होता है ये 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और ये वाला टेम्परेचर 912 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपका जो है ऑस्टेनिटिक रीजियन 912 डिग्री से लेकर के 1392 डिग्री तक होता है, ऐसा आप बोल सकते हो। और ऑस्टेनेट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन एफसीसी आयरन। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दो टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन होता है, एक इंटरस्टिशियल होता है, एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड है मान लो, और इसमें जो है आप कुछ इम्प्योरिटी डाल दिए, कुछ आप इम्प्योरिटी डाल दिए, तो मान लो ये आपका एटॉम्स है, ये आपका एटॉम्स है, जो आपका लिक्विड है ये एटॉम्स है। तो जब आप इम्प्योरिटी डालोगे, इम्प्योरिटी डालने के बाद इम्प्योरिटी का जितना सारा छोटा छोटा एटॉम्स होगा ये दोनों एटॉम्स का बीच में एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। जैसे मान लो भीड़ बास में आप चढ़ गए हो, और भीड़ बास में आप चढ़ने के बाद आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हो, वैसे ही छोटा छोटा एटम्स जो है दोस्तों यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। जैसे आप भीड़ बास में एडजस्ट करते हो वैसे ही, जैसे आप मेट्रो में एडजस्ट करते हो वैसे ही। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी दोनों एटम का बीच में जो स्पेस होता है उसमें एटम्स जो है एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। जैसे आप भीड़ बास में जब घुसते हो तो आप एडजस्ट कर लेते हो। तो कौन एडजस्ट कर पाएगा, जिसका बॉडी थोड़ा पतला दुबला होगा। अगर अगर 100 केजी का एक आदमी आ जाएगा तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 40 केजी 50 केजी का एक आदमी जाएगा या दो आदमी जाएगा तो अपने आप को भीड़ बास में एडजस्ट कर लेगा, किसी को उतरना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। और एक मैं आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, सेम चीज़ आप एक भीड़ बास में जा रहे हो और आपका वेट मान लो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 100 केजी है, ठीक है, 100 केजी है, तो आप क्या करोगे, आप बास भीड़ बास में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप कंडक्टर को बोलोगे कि एक काम करिए कंडक्टर साहब, आप एक आदमी को उतार दीजिए, उसके बाद मैं घुस जाऊंगा। तो आप जो है एक आदमी को उतार देंगे, यानी एक एटॉम्स को आप जो है बाहर फेंक देंगे और उस एटॉम्स का जगह आप चले जाएंगे, यानी बड़ा वाला एटॉम्स एडजस्ट कर लेगा। उसको बोलता है सब्स्टिट्यूशनल। क्यों सब्स्टिट्यूशनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप जो है अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हो। आप एक आदमी को कंडक्टर को बोल करके एक आदमी को नीचे उतार दिए हो और उस आदमी का सीट में आप जा करके बैठ गए हो, यानी उस आदमी को आप सब्स्टिट्यूट किए हो, इसीलिए इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ऑस्टेनाइट जो होता है ये एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होता है, और इसमें जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है 2.14% कार्बन एट द टेम्परेचर ऑफ यू कैन से 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है एफसीसी, और ये जो फेज है ये 912 से लेकर के 1394 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये फेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोरोसाइट इज ए मिक्सचर ऑफ, दोस्तों टोरोसाइट जो है एक मिक्सचर होता है फेराइट एंड सीमेंटाइट का, फेराइट एंड सीमेंटाइट का एक टोरोसाइट मिक्सचर होता है। तो दोस्तों फेराइट एंड सीमेंटाइट का आयरन कार्बन डायग्राम में एक माइक्रोस्ट्रक्चर है, क्या है आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। उसमें फेराइट और सीमेंटाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी पहले सीमेंटाइट रहता है, उसके बाद फेराइट रहता है, उसके बाद फिर सीमेंटाइट, फिर फेराइट, ऐसा करके लैमिनेटेड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम में ही है, 0.8% कार्बन रहता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो आप मेरे को एट द टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्वियसली, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना उस माइक्रोस्ट्रक्चर का नेम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो इतना था कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और ऐसे एग्जाम रिलेटेड जॉब रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसमें मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप जो है अपडेट होते रहोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।